हेलो व्यूवर्स, आप सभी को रमज़ान मुबारक हो। और इस रमज़ान में अच्छी अच्छी डिशेस हम बनाते हैं। लॉकडाउन के मौके पे भी आप घर में बेहतरीन डिशेस बना सकते हैं। मैंने आपको समोसा पट्टी बनाकर बताई थी होममेड, अब मैं होममेड समोसा बनाकर बताऊंगी कि कैसे इसकी स्टफिंग बनाई जाती है। इसके लिए मैंने तकरीबन 150 ग्राम तक चिकन की बोटियाँ थी उसको बॉईल किया हल्दी नमक डाल के, और उसको अच्छी तरह से मिक्सी में थ्रेश किया। तो वो करके देखिए, मैंने पहले ऑलरेडी रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी स्टफिंग बनाएंगे। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने देखिए हरा प्याज काट के रखा है, और हरे प्याज के जो वाइट पोर्शन होते हैं वो छोटे छोटे काट के रखे हैं। 3-4 हरी मिर्चें हैं, और धनिया पुदीना है, और आधा नींबू का रस है, और ये गरम मसाले आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, और नमक, और ये कुटी हुई मिर्च, मोटी मिर्च, तो ये सब है। और फिर जीरा बघार के लिए है, और ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट 1 चम्मच लिया है मैंने, और ये मायोनीज है। ये स्टफिंग में जब सब रेडी हो जाएगा तो फिर स्टफिंग में मिलाते हैं। मायोनीज मिलाएं या चीज़ मिलाएं, कुछ भी मिलाएं, लेकिन ये स्टफिंग की ये खासियत है कि इसे हम 10-15 दिन तक फ्रिज में बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं, इसलिए बिल्कुल कम तेल में इसे बनाया जाता है। चलिए हम गैस स्टार्ट करते हैं, और इसमें हम अब तेल डालेंगे। ये पैन गर्म हो गया है, अब पैन गर्म होने के बाद हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, छोटा सा 2 चम्मच तेल लेंगे, और ये जीरा जो है हम ये जीरा डाल देंगे। जीरे का अमाउंट अच्छा होना चाहिए थोड़ा, क्योंकि जीरे की खुशबू बहुत अच्छी है। देखिए ये जीरा लाल होने लगा, अब हम क्या करेंगे, ये अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल देंगे, और यही ये सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे हम घुमाएंगे जरा सा, फिर इसमें हम ये कच्ची प्याज ये डाल देंगे। हमें पूरा अमाउंट नहीं डाल देंगे, जितना आपको लगे उतना डालिए। ये हरी मिर्च हमने डाल दिया, और ये हरे प्याज की पत्तियाँ डाल दी, कुछ मैं ऊपर से डालूँगी। अब सब चीज़ों को हमने डाल दिया, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डाल के ढक, थोड़ा सा पानी डालें, और ये जो चिकन है इसे भी हम इसमें डाल देंगे। मैंने थोड़ा लाइट ही बनाया है, क्योंकि बच्चे भी रहते हैं घर में, वो तीखा नहीं पसंद करते, इसलिए अगर आपको कुछ ऐड करना हो तो हरी मिर्ची या लाल मिर्च ऐड कर लें। अब क्या करेंगे, हम इसे थोड़ा सा 5 मिनट तक ढक के इसको अच्छे से पकने देंगे, फिर आपको बताती हूँ। अब 5 मिनट हो गए, ज़रा एक बार हम खोल कर चला लेते हैं। अच्छी खुशबू आ रही है, और इसका टेस्ट इसकी खुशबू से मालूम पड़ रहा है। देखिए मैंने बिल्कुल तेल कम डाला है, तेल वाला हमें बिल्कुल चाहिए ही नहीं, सिर्फ बघारने के लिए हमने तेल डाला। अब इसे फिर थोड़ा सा इसमें हम नींबू का रस डाल देते हैं, आधा नींबू का रस। नींबू के रस से इसमें खट्टापन भी आएगा, और ये प्रिजर्व करने के लिए भी फायदेमंद है, इससे प्रिजर्वेशन भी अच्छा होता है। अब ऐसे मोड़ पे नमक और मिर्च चख लें आप, मछली पेस्ट तैयार होने आया। अब हम क्या करेंगे, ये धनिया और ये बाद में डालेंगे, थोड़ा सा 5 मिनट तक और इसे भूनने देते हैं। अब 5 मिनट हो गए, देखिए स्टफिंग हमारी एकदम रेडी हो गई। बिल्कुल इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, एकदम ड्राई होना चाहिए, तो हम 10-15 दिन तक इसे स्टोर करके रख सकते हैं, या ज़्यादा अमाउंट में बना के रख सकते हैं। सिर्फ समोसे में डाल के फौरन पट्टी बनाइए,
पट्टी में डालिए और समोसा तैयार कीजिए। अब ये हमारी समोसे की स्टफिंग चिकन कीमे की रेडी हो गई। इस पे हम अब धनिया पुदीना डाल देंगे और जब हम फिलिंग करने लगें तो इसमें मायोनीज डाल दें या तो चीज़ डाल दें, जो आपको अच्छा लगे वो डाल दें। पर ये मिक्स करके हमें स्टोर नहीं करना है, जब समोसा बनाने लगें तब इसको मिक्स करें। चलिए, हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।